तो मेरे 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स में से मेरे पास रोज इतने सारे सवाल आते हैं कि हमें अगला अपग्रेड क्या करना चाहिए, क्या सिस्टम लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए, मैक लेना चाहिए या विंडोज लेना चाहिए और उसके स्पेक्स क्या होने चाहिए। तो वो सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि अगली बार कोई भी स्टूडेंट मेरे से सिस्टम अपग्रेड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो उनको मैं इस वीडियो की लिंक भेज दूँ। तो इस वीडियो को हम लोग एक कहानी की तरह देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, एक विंडोज लैपटॉप, एक कस्टम बिल्ड सीपीयू और एक मैकबुक। और हर पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें हम इन तीनों को साथ लेके चलेंगे और तीनों को पैरेलली कंपेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस वक्त आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करें तो विंडोज लैपटॉप काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं कम कॉस्ट में, वेयरएज जो कस्टम सीपीयू होता है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई जाती है। एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर भी चाहिए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और एक स्क्रीन भी हो गई। और अगर हम मैकबुक्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, लेकिन एक मजेदार चीज है जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि उनकी कॉस्ट इतनी हाई क्यों होती है। अब अगर बात करें पोर्टेबिलिटी की तो विंडोज लैपटॉप इवन दो पोर्टेबल होते हैं बट उनके चार्जिंग इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं, प्लस बिना बैटरी के आप उनपे ज्यादा हेवी टास्क नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल वो बहुत हाई एंड मॉडल्स हैं। कस्टम सीपीयू की तो बात ही रहने देते हैं, क्योंकि उसको कैरी करने के लिए आपको एक एडिशनल सूटकेस भी चाहिए होगा। और अब अगर मैकबुक्स की बात करें तो काफी ज्यादा स्लिम होते हैं, काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, प्लस लास्ट 6 सालों में मैं 4 लैपटॉप्स बदल चुका हूं और सारे ही मैकबुक्स थे, तो डेफिनेटली इस बात पे तो मैं वाउच कर सकता हूं कि उनके साथ ट्रैवल करना काफी ज्यादा स्मूथ है। अब अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी की बात करें तो विंडोज लैपटॉप के साथ काफी सारे सॉफ्टवेयर्स कंपैटिबल होते हैं एज कम्पेयर टू मैकबुक, लेकिन बस एक छोटा सा कॉन मेरे को ये फील हुआ कि जो भी हम ऑडियो इंटरफेसेस यूज करते हैं स्टूडियो में, जो भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज करते हैं, काफी सारे जो हार्डवेयर होते हैं उनके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, वेयरएज अगर मैं मैकबुक की बात करूं तो उसके साथ काफी सारी डिवाइसेस प्लग इन प्ले होती है। अगेन कस्टम सीपीयू भी रिजेंबल करता है विंडोज लैपटॉप को इस वाले पॉइंट में। अब अगर बात करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हुए किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले अगर हम लैपटॉप्स की बात करें तो आइडियली एक लैपटॉप की लाइफ 2 से 4 साल होती है, एंड मेनली वो डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, कितना एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, कितनी मल्टीटास्किंग करते हैं, कितने हेवी VST प्लगइन्स उस पे इंस्टॉल करते हैं। वेयरएज अगर मैं कस्टम सीपीयू की बात करूं तो उसका एक अपर एज है कि आप उसको कभी भी कस्टमाइज कर सकते हो, एंड जब भी आपको फील हो कि आपको थोड़ी सी रैम इंक्रीज करनी है, थोड़ा सा प्रोसेसर बेटर करना है, तो आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो। वेयरएज अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं तो विंडोज थोड़ा बहुत कस्टमाइजेबल भी होता है, लेकिन मैकबुक्स तो बिल्कुल कस्टमाइजेबल नहीं होते, और अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोसेसर या रैम को अपग्रेड करना है तो आपको एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब अगर हम फिक्सिंग कॉस्ट की बात करें, बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट, तो जो कस्टम बिल्ड सीपीयू है उसकी सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, बिकॉज नॉट ओनली उसको असेंबल करना बल्कि उसको मॉडिफाई करना भी बहुत आसान होता है, वेयरएज विंडोज लैपटॉप को मेंटेन करने की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है उससे। लेकिन अब हम बात करें मैकबुक्स की, जो कि इजीली वैसे तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आ गई, कोई भी हार्डवेयर डैमेज हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगने वाला है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जितने भी लोग मैकबुक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने हाल ही में मैकबुक लिया है, वो उसके साथ एक एप्पल केयर सर्विस भी ले ले, जो कि फिजिकल डैमेज पे प्रोटेक्शन देता है 2-3 सालों के लिए। अब अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो कस्टम बिल्ड सीपीयू को तो आपको ऑलवेज ऑन पावर रखना पड़ेगा, और अब अगर मैं विंडोज लैपटॉप की बात करूं तो जैसे ही आप उसका पावर सप्लाई हटाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा और वो थोड़ा सा स्लो होने लगेगा, बेसिकली आप उस पे हेवी टास्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं मैकबुक की बात करूं, ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, जैसे ही पावर सप्लाई आप उसका रिमूव करेंगे उसकी परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर फर्क पड़ेगा, और आप जो अपना यूजुअल काम कर रहे थे वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और तो और कितनी बार तो मेरे को पता भी नहीं चलता है कि मैंने पावर सप्लाई ऑन किया हुआ है या नहीं। अब अगर हम रैम की बात करें तो एटलीस्ट इस टाइम में आपको कम से कम 16 GB रैम चाहिए अपने सिस्टम में, अगर आप हेवी VST प्लगइन्स रन करना चाहते हैं, ज्यादा ट्रैक्स वाले प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। और यहाँ पे विंडोज डिवाइसेस का थोड़ा सा फायदा है, बिकॉज वहाँ पे रैम अपग्रेडेबल होती है, चाहे मैं विंडोज लैपटॉप की बात करूं या चाहे मैं कस्टम सीपीयू की बात करूं। टॉकिंग अबाउट मैकबुक्स, इवन दो वो अपग्रेडेबल रैम नहीं देते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपके मैकबुक में 8 GB रैम है तो वो एक्चुअल में 16 GB रैम के बराबर है विंडोज लैपटॉप के। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े ऑनलाइन, एंड वहां पे मेरे को पता चला कि जो मैकबुक्स हैं उनके अंदर नॉर्मल रैम नहीं होती है बल्कि यूनिफाइड मेमोरी होती है। तो ये यूनिफाइड मेमोरी क्या करती है, जो भी आपका टेम्पररी डेटा है जो आपकी रैम स्टोर करती है, आपके जो मैकबुक का सीपीयू और जीपीयू है वो भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, यानी मिलके टास्क सॉल्व कर सकता है। दैट इज द रीजन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि इवन दो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैकबुक्स हैं उनमें 8 GB रैम है, बट स्टिल वो बहुत बेटर परफॉर्म करते हैं 16 GB रैम वाले विंडोज लैपटॉप से।
अब क्योंकि हम रैम की बात ही कर रहे हैं तो प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। इनकेस आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो आप इंटेल के i7 या i9 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट जेन चल रहा है उसमें। एंड इनकेस आप राइजन की तरफ इंक्लाइंड है जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो आप राइजन 7 या 9 कंसिडर कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इवन दो राइजन बेटर परफॉर्म करता है इंटेल से, बट स्टिल अभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं एंड राइजन अभी उतना हाईली कंपैटिबल नहीं है जितने की इंटेल प्रोसेसर्स हैं। अब अगर हम मैकबुक की बात करें तो इवन तो M3 आ चुका है, बट स्टिल मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप M2 प्रो में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली एप्पल ने वो प्रो सीरीज प्रोफेशनल्स के लिए बनाई है और वो सिस्टम काफी ज्यादा लोड ले लेता है, उस पर आप काफी हैवी टास्क भी कर सकते हो। बस एक छोटा सा गम है मेरे को, ऑल्दो वो ऑडियो रिलेटेड फील्ड से नहीं है, कि उसमें गेम्स कंपैटिबल नहीं है। अगर हम लोग स्टोरेज की बात करें तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 TB SSD हो आपके सिस्टम में। अब अगर हम विंडोज लैपटॉप या फिर कस्टम CPU की बात करें, वहाँ पे तो आप अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लैपटॉप्स भी हैं जिनमें स्टोरेज अपग्रेड हो जाती है बाद में। लेकिन अगर मैं मैकबुक की बात करूं तो उसमें कोई भी चीज अपग्रेडेबल नहीं है, या तो आपको स्टार्टिंग में 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देके 512 से 1 TB करवानी पड़ेगी अपनी स्टोरेज, या तो मैं एक बेटर आइडिया बताता हूं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कि 512 GB की SSD की स्टोरेज इनिशियली रखवा लो एंड एक एक्सटर्नल SSD यूज कर लो 1 TB की, जो कि लगभग 10-15 हज़ार की आती है। इवन दोस्त को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा अलग से, बट उसमें आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा सेव होगी। एंड एट लास्ट मैं अगर वर्क फ्लो की बात करूं कि क्यों मैं मैकबुक्स के टुवर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूं, तो उसका सिंपल सा रीजन है इकोसिस्टम। जो एप्पल ने अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है, उनके आईफोन से लेके आईपैड, आईपैड से लेके मैकबुक की जो कंपैटिबिलिटी है, फाइल्स को ट्रांसफर करना इतना आसान हो गया एयर ड्रॉप की मदद से। प्लस अगर मैं फोन में कोई भी चीज लिख रहा हूं, मैंने उसको वहां पे कॉपी किया, तो मैं डायरेक्टली उसको अपने लैपटॉप में पेस्ट कर सकता हूं बिना उसको कहीं पे भी भेजे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैंने नया नया मैकबुक पे स्विच किया था तो इनिशियली मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा था, ऐसा लगा था कि सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं, सारी चीजें उल्टी हो गई हैं। लेकिन कुछ टाइम यूज टू होने के बाद मेरे को पता चला कि उसका एक्चुअली वर्कफ्लो काफी ज्यादा फास्ट है। उसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपका काम आसान करती हैं, जो कि आपका टाइम सेव करती हैं। जैसे कि मुझे नहीं याद कि कब मेरा सिस्टम लास्ट टाइम लैग हुआ था, हैंग हुआ था, क्योंकि वहां पे फोर्स क्विट का फंक्शन ऑलवेज ऑन रहता है एंड कितना भी स्लो हो जाए आपका सिस्टम, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को वहां से क्लोज कर सकते हो बिना अपने सिस्टम को फोर्सफुली शट डाउन करे, जो मैं विंडोज में बहुत ज्यादा करता था। उसके अलावा विंडोज में जैसे ही सिस्टम स्टार्ट करते हम रिफ्रेश किया करते थे, वो वाली भी दिक्कत यहाँ पे खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है आप डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सकते हो, डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकते हो और इनिशियली कोई भी डिले नहीं आता है, कोई भी लैग नहीं आता है। और दो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है और ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बट स्टिल मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े ऑडियो इंजीनियर्स को देखा है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को देखा है जो विंडोज सिस्टम यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों को भी वही एडवाइस दूंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि अपने बजट के हिसाब से जो आप बेस्ट मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें कर दें, बिकॉज इवेंचुअली मैक हो या विंडोज आप प्रोफेशनल आउटपुट किसी भी डिवाइस में अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो गाने हैं वो पहले यहाँ बनते हैं। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, इनकेस अगर कोई और सवाल है आप लोगों के माइंड में उसको मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हीरो क्या चल रहा है? बस यार जस्ट अभी एक वीडियो रैप अप किया था। और भाई मेरी रॉयल्टीज का क्या हुआ? ये कहां से आ गया? ये मॉन्टी क्या बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं यार, 2-3 साल से ये वीडियो में आ रहा है तो उसकी रॉयल्टी मांग रहा है। इसको सेक्शन 33 के बारे में पता है, कॉपीराइट एक्ट के? नहीं भाई क्या बोल रहा है? उस चक्कर में तेरे को 3 साल हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। तेरे को मैं M3 Max भिजवाता हूँ 64 GB रैम वाला, ठीक है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कि हमें अगला इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, क्या सिस्टम लेना चाहिए, एक कस्टम CPU? शुभम, शुभम, शबनम बोला उसको। अरे वैसे तुम राइजन यूज करते हो ना? 5, तो उसमें कोई भी VST या इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आती है चलाने में? मल्टीपल में आती है, एक में नहीं आती। मल्टीपल ये तो चलाने होते हैं। कि 512 SSD की GB कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो करंटली और आपके स्पेक्स क्या है? टाइटन के।